आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे एक स्वीट रेसिपी जो कि बेहद ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। इस स्वीट रेसिपी को हम केवल 15 मिनट में बना के रेडी कर लेंगे और इस स्वीट रेसिपी के आगे हर स्वीट रेसिपी फेल हो जाती है, क्योंकि एक तो ये बहुत कम सामान में बन जाती है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस रेसिपी को हम घर में रखी बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बना के रेडी कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी फालतू का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। इसे आप घर में रखे बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बना के रेडी कर सकते हैं, आपको इसके लिए कुछ भी फालतू का सामान बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम अपने किचन में बिल्कुल शाही टेस्ट वाला शाही डेजर्ट, शाही टुकड़ा बनाएंगे। पुरानी दिल्ली की ये फेमस रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे शायद हर कोई खाना पसंद करता है और बिल्कुल शाही अंदाज में बनके ये डेजर्ट रेडी भी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाद स्पेशल किचन। चलिए तो देर ना करते हुए इस शाही डेजर्ट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं और केवल 15 मिनट में इसे हम बना के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल शाही अंदाज में ये डेजर्ट बन के रेडी होगा। चलिए तो अब अपने किचन में चलते हैं, इस डेजर्ट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक पॉट लेना है, उसे गैस के फ्लेम पर रखना है और इस पॉट में हम डालेंगे दूध। तो देखिए ये मैंने 700 ग्राम दूध जो है इसमें डाल लिया है। आप चाहे तो 500 ग्राम भी दूध इसमें आप ऐड कर लेंगे, तब भी आपका ये डिज़र्ट बन जाएगा। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने वनीला फ्लेवर का ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से भर के इसमें डाल दिया है। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को चालू नहीं करा है, बिना चालू करे ही मैं अभी इसे दूध में घोल लेती हूँ। जब ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद हम गैस की फ्लेम अपनी ऑन कर लेंगे। अब देखिए कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका और गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और इस दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें ना तो किसी तरह का लम्स आए और ना ही ये दूध हमारे तले में चिपके, क्योंकि हम नहीं चलाते ना तो कई बार लम्स इसमें आ जाते हैं। तो देखिए चलाते हुए हमें 2-3 मिनट हो गए और ये दूध जो है हमारा उबलने लग गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने 1/4 कप इसमें चीनी डाल दिया। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये 10-12 मैंने बादाम के छोटे छोटे पीस कर लिए थे, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपको जो भी पसंद हो। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी तो ये थोड़ा सा पतला, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा हमने देखिए कर लिया है चलाते चलाते। तो देखिए इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह की, इस तरह की हमने रखी है। देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ये गाढ़ा भी हो जाएगा, अभी तो ये गर्म है, बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरह से कूल होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें चाशनी की ज़रूरत है, तो हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए देखिए हमने गैस की फ्लेम पे एक पॉट रखा और इसके अंदर हमने 1.5 कप पानी ये ऐड कर लिया है और इस पानी में हम डालेंगे चीनी। तो देखिए ये मैंने 3/4 कप इसमें चीनी डाल दी है। अब देखिए जो ये हम सिरप तैयार कर रहे हैं, हमें इसे बिना तार का बनाना है। इसमें ना तो हमें 1 तार लाना है ना ही 2 तार लाना है। इस सिरप को हम तब तक रेडी करेंगे जब तक कि इसमें चिपचिपापन ना आ जाए। जब ये चिपकने लग जाएगी, जब हम उंगलियों पे लगाएंगे और ये चिपचिपी लगेगी, बस तभी तक हमें इसे पका के रेडी करना है। तो देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इस स्टेज पर हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं। तो मैंने केवल 1 पिंच येलो कलर इसमें डाल दिया, इससे ना इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं इलायची पाउडर। तो मैंने 4-5 इलायची के दाने निकाले थे, उनको कूट लिया था मैंने और इसको डाल दिया। इससे ना हमारे डिज़र्ट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आने लग जाती है। और बस इसको हमें अब ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग ये पक गई है क्योंकि हमने इसे चेक कर लिया था, ये अब चिपचिपी सी हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको भी पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख देते हैं। चलिए अब तब तक हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। तो देखिए मैंने ये 5 स्लाइसेस लिए हैं, अब मैं इनकी कटिंग कर लेती हूं। अब देखिए इस ब्रेड को हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे, या तो आप 4 कट में काट लीजिए या आप केवल 2 ट्रायंगल काट सकते हैं। तो मैं इसके बीच में से सिर्फ 1 कट लगाऊंगी तो 2 ये ट्रायंगल शेप के ब्रेड हमारे कट जाएंगे। अगर आपको ये डिजर्ट और भी ज्यादा बनानी हो तो आप ब्रेड के स्लाइसिस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस रेसिपी को ना कभी बनाया होगा ना कभी खाया होगा। एक बार आप इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देखिए ब्रेड स्लाइसेस तो हमारी कट गई है, अब हम गैस की फ्लेम पे एक कढ़ाई रख रहे हैं और उसमें हमने ऑयल भी डाल लिया है और ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ब्रेड स्लाइसेस डाल देते हैं, जितने ब्रेड स्लाइसेस आपके आ जाएँ आप उतने डाल लीजिए और मीडियम फ्लेम रखते हुए हमें इन्हें तलना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी हमें नहीं रखनी है, बहुत कम भी नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर आप इनको तलिए। जब तक कि इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक आप इन्हें तलिए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये ब्रेड स्लाइसेस हमारे तल के रेडी हो जाएंगे। अब देखिए एक तरफ से तो ये तल गए होंगे और अब हम इन्हें पलट लेते हैं। एक तरफ से इनका कलर आ चुका है, अब इनको पलट लेते हैं, अब दूसरी तरफ से इन्हें तल लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए ये जो ब्रेड स्लाइसेस है ना ये तल चुके हैं, अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी छन्नी में इन्हें रख लेते हैं जिससे कि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इन्हें किसी प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए सारे ब्रेड स्लाइसेस हमने तल के रेडी कर लिए हैं और अब इनको रखने के बाद हम देख लेते हैं हमारा जो दूध था वो भी ठंडा हो गया होगा और जो हमारी चाशनी है वो भी ठंडी हो गई होगी। तो देखिए इस चाशनी में एक एक करके हम इसमें डिप कर लेंगे और सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं डिप करना है, थोड़ी देर डिप करिए। आप इनको एक बार दोनों तरफ से पलट के इसे डिप कर लीजिए और इनको डिप करने के बाद इसमें से निकाल लीजिए जिससे कि इसमें जो चाशनी है वो हमारी चली जाए। तो बस ये थोड़ी देर में इसमें चाशनी चली जाती है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और ये जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस हैं ये बिल्कुल स्वीट फ्लेवर में हो जाते हैं। अब देखिए इन्हें निकाल लेते हैं हम और इस तरह से निकालने के बाद जो हमने दूध जो अपना तैयार करा था, कस्टर्ड मिल्क रेडी करा था, उसको हमने एक प्लेट में रख लिया है। उसमें हम एक एक करके इसी तरीके से अपने ब्रेड स्लाइसेस को पहले चाशनी में डिप करते हैं और उसके बाद हम जो कस्टर्ड मिल्क है उसमें डिप कर लेंगे, इस तरह से रखते हुए जाएंगे। तो देखिए सारे ब्रेड स्लाइसेस को हमने पहले चाशनी में डिप कर लिया, फिर इसके बाद इस कस्टर्ड मिल्क में डिप करके रख दिया जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर आप इन्हें खाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा खाने में। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम हमने कटिंग करके रखे उसको गार्निश कर देते हैं। आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट हो आप वो भी डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल लीजिए, आप काजू डाल लीजिए, चिरौंजी डाल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल लीजिए, आप टूटी फूटी डाल लीजिए। और थोड़ी सी टूटी फूटी मेरे पे रखी थी तो मैं इसको भी इसके ऊपर से गार्निश कर देती हूँ, इससे और भी अच्छा फ्लेवर हमारे इस डिज़र्ट का आता है। आप देख रहे हैं देखने में ये कितना शाही डिज़र्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना ये शाही डिज़र्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका स्वाद भी उतना ही ज़्यादा शाही है। रेडी है अभी ये हमारा शाही डिज़र्ट बनके बिल्कुल तैयार है, आप इसी तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। आपके घर में आपके बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, सभी को ये बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आपका जब भी कोई स्वीट खाने का मन करे ना तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी भी हो जाता है, बहुत ही कम सामान में बन के भी तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी बनता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ये सॉफ्ट हो गए हैं हमारे ये पीसेस। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक का बटन है उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके वहाँ शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।